हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी पूरी सीरीज चल रही है क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी साइंस के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की, तो आज हम वापस से साथ में हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर की एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यस, एक्सरसाइजेस को लेकर हम लोग हाजिर हैं। ठीक है, बता दो कि मेरी आपको वीडियो से वैल्यू मिल रही है और मेरी वीडियो सारी एक्सेस करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, और चैनल को फटाफट लाइक भी कर दीजिए। और बिना किसी देरी के हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइजेस को। ओके, सो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो पहले जाके चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि वो भी अपलोडेड है क्लास एनसीईआरटी क्लास 7 इसी सुमोद साइंस चैनल पर। ठीक है, बाकी एक्सरसाइजेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो एक्सरसाइजेस में बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। कह रहा है कि आखिरकार जब फिनिश कर लेता है रेस, जो हमारा एथलीट है, ये हमारा एथलीट है, ये जब फिनिश कर लेता है रेस को, तो उसके बाद ना सांसेस की बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती हैं, तो ब्रीथ फास्ट क्यों करने लगता है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि हमने पढ़ा रखा है कि जैसे बूढ़ों का ही पढ़ाता है कि वो दादा दादी से मिलने जाता है तो बहुत दौड़ कर जाता है, तो उसके बाद वो हफने लगता है, बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है। तेज से सांस लेने का मतलब क्या होता है, सांस क्यों ली जाती है, तो रेस्पिरेशन क्यों होता है। अगर चैप्टर का नाम बोले तो रेस्पिरेशन इसलिए होता है कि आप पे ऑक्सीजन जो एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जितनी आपकी पहुँचेगी, यानी कि आप ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है, आपके फूड को तोड़ देता है, यानी ग्लूकोज को किस में तोड़ देता है, एनर्जी में। और हर चीज़ के लिए हमें चाहिए एनर्जी, तो ऑक्सीजन हम तो जल्दी जल्दी सांस लेने का मतलब है, देखिए जब आप दौड़े होगा, जो एथलीट है वो दौड़ा होगा तो उसने एनर्जी सारी की सारी यूटिलाइज की होगी। अब उसकी बॉडी में एनर्जी की कमी है, एनर्जी की कमी करने के लिए, अब उसको पूरा करने के लिए बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि फूड को जल्दी से जल्दी तोड़ के इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन चलने के लिए ज़्यादा सांस लोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा, इसलिए जो हमारी बॉडी में जो ब्रीथिंग है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही है जो एथलीट है, एन एथलीट है, ये एन एथलीट नीड्स टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको इसलिए चाहिए क्योंकि उसके मसल सेल्स ने वर्क किया है बहुत ज़्यादा रनिंग के दौरान, और इसलिए फॉर दिस उसकी ब्रीथ फास्ट हो गई है क्योंकि उसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए इस समय, क्योंकि एनर्जी चली गई है और एनर्जी अब उसको चाहिए सप्लाई टू द सेल्स, सेल्स को दोबारा एनर्जी पहुँचे तो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए। दिस स्पीड अप ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एज अ रिजल्ट मोर एनर्जी रिलीज, और ये जो स्पीड अप है इससे ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी, ज़्यादा एनर्जी, और एनर्जी जो है वो फटाफट से बॉडी में कंप्लीट होगी और वो धीरे धीरे हाफना कम कर देगा और नॉर्मल एनर्जी अब उसके पास होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, यही इसका आंसर। आप इसको अच्छी तरह से देख लो और आंसर को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप कहीं पर भी लिखो, देखिए आंसर बिल्कुल सही है, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, फुल मार्क्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन टू, तो लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने बताया था, एक में ऑक्सीजन की मदद ली जाती है, दोबारा से मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ, जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने तभी आपको दिखाया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये रहा। ठीक है, एरोबिक में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है, खाना होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन जब तोड़ता है खाने को, यानी ग्लूकोज को किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, तो ये जब ऑक्सीजन हो तब जो खाना टूटता है, जो सांस आप लेते हो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हम करते हैं जब बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये तो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब करते हैं तो वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी बनाते हैं, बट जब हम करते हैं, नॉर्मल हम लोग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि जो ग्लूकोज मसल के अंदर होता है, तो मसल्स क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देखिए हम तो नॉर्मल जितनी एनर्जी, जितनी एयर लिमिटेड है उतनी तो ले लेंगे, और उतने भी अब हमें, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, और ज़्यादा के लिए तो मसल्स क्या करते हैं, मसल्स के अंदर जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो इन दी एब्सेंस, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम है, वो तो तोड़ने में एरोबिक रेस्पिरेशन में कर रहा है, तो जो बचा हुआ जो ऑक्सीजन नहीं है और एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो मसल्स के अंदर क्या होती है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही एनर्जी रिलीज हो जाती है और लैक्टिक एसिड को
फॉर्म कर देता है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस एनर्जी रिलीज कर देता है। ये लैक्टिक एसिड जो है ये यहाँ पर बनता है और बाद में जब हम धीरे धीरे या तो अपने आप या फिर धीरे धीरे जब इसमें ब्लड सर्कुलेशन पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचता है, तब ऑक्सीजन इस लैक्टिक एसिड को वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है। एनर्जी तो पहले से थी ही, वो रिलीज रहती है और तब जाके आपके मसल्स में आराम मिलती, वरना मसल्स में पेन इसलिए रहता है क्योंकि मसल्स ने इस समय रेस्पिरेशन किया है लैक्टिक एसिड एंड एरोबिक किया है और लैक्टिक एसिड फॉर्म करके किया था, ठीक है। तो जब ज़्यादा जब एक्सरसाइज करते हैं इसलिए मसल्स हमारे दर्द करते हैं, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। तो इसी दोनों के डिफरेंस की बात की जा रही है, यहाँ एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले बोला सिमिलैरिटी बताओ, तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में कि दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करने के लिए होते हैं। तो इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज द एनर्जी, यहाँ फूड तोड़ा जाता है एनर्जी के लिए, ये तो इन दोनों में सिमिलर बात है कि इसीलिए ये रेस्पिरेशन हो रहा है। पर अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आपको यहाँ देखना है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, ये एब्सेंस में एनएरोबिक एब्सेंस में होता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ क्या होता है कि इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि ग्लूकोज पहले लैक्टिक एसिड, यहाँ क्या होता है ग्लूकोज पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और किस में एनर्जी में टूटता है, लेकिन यहाँ ग्लूकोज पार्शली लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में टूटता है। बाद में जब ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुँचता है तब ये लैक्टिक एसिड क्या होती है कन्वर्ट होती है जाके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तब कंप्लीट इसका ब्रेकडाउन होता है, इसलिए एनएरोबिक में अभी भी इनकम्प्लीट रहता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मोर एनर्जी, यहाँ ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है क्योंकि पूरे का पूरा ग्लूकोज टूटता है, यहाँ थोड़ी कम होती है 2 ATP के पास। देखिए ATP जो है वो एनर्जी को ही यूनिट है, आप अभी तक ये समझिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड, इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, इसमें क्या बनता है देखिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे हैं जो एयर के प्रेजेंस में ही नहीं रहते हैं, वो ऐसे रेस्पायर करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यीस्ट ऐसे आपका था, तो वो इथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल को फॉर्म करता है और ये और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन जो प्लांट्स हैं ये काम करते हैं और जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है एनिमल्स जो है वो लैक्टिक एसिड को फॉर्म करते हैं। तो ये यही बात यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो मैंने बाकी बातें कल ही आपको बता दी हैं, लेकिन फिर से मैं बता दे रही हूँ, प्लांट्स जो होते हैं वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके एंड प्रोडक्ट ये रहते हैं, और एनिमल्स में ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। सो ये था हमारा एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या डिफरेंस, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हो बहुत मज़े से, बिल्कुल फुल नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोला है व्हाई डू वी ऑफन स्नीज, अक्सर हम जो स्नीज करते हैं व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, तो जब क्या होता है किसी कुछ लोग आपको देखा होगा धूल वूल में उनको छींक आती है, ठीक है, तो वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं इससे कि उनके तो बिल्कुल ही जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो हालांकि हमारी बॉडी किसी की भी है वो बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए हम स्नीज करते हैं। मैंने स्नीजिंग वाला पॉइंट आपको कल ही के चैप्टर में पूरी तरह से एक पूरा एंसर, मैंने कहा था ये अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने आपको बताया, तो मैंने स्नीजिंग वाले में ही क्या आपको बताया था, मैं यहाँ दोबारा से दिखा दे रही हूँ, यहाँ पर था जहाँ हमने कहा था कि जितने अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जैसे कि स्मोक डस्ट और पॉलन, जितने भी अनवांटेड है, जब आप सांस लेते हो, सांस आप किससे लेते हो, ये आपकी नॉस्ट्रिल होती है, ये आपकी नोज समझिए आपकी, ठीक है, आप इससे क्या करते हो सांस लेते हो, ठीक है। अब सांस लेने के बाद आपकी जो नेसल कैविटी है उस लाइनिंग में क्या होता है, अगर अनवांटेड पार्टिकल आपके हेयर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो या तो हेयर में फंस के रह जाता है, लेकिन अगर हेयर में स्नीज कब होती है, जब हेयर में भी पार कर जाता है हेयर को भी, ठीक है, आपकी नोज में हेयर है आपको पता है, ठीक है, जब इसको भी ये पार कर जाता है तो जो नेसल कैविटी है वहाँ पर लाइनिंग में इरिटेशन होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि अनवांटेड को हम बाहर निकालें, तो लाइनिंग में जब इरिटेशन होती है आपको छींक आती है, आप छींकते हो तो वो अनवांटेड पार्टिकल्स मुंह या नाक से वापस क्या करते हैं निकल जाते हैं, ठीक है, वो अनवांटेड पार्टिकल बाहर चले जाते हैं। तो स्नीजिंग का कुल मिला के ये प्रोसेस होता है कि अनवांटेड पार्टिकल को जो नोज के अंदर से चले गए उसको वो बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा चैप्टर मैंने ये पूरी जो पैराग्राफ है उसको अच्छी तरह से इसी समय एक्सप्लेन किया था, और यहाँ आंसर में भी आपको यही लिखना है कि जो स्नीजिंग है वो क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल, मतलब है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, हमारे लिए बाहरी पार्टिकल्स हैं, फ्रॉम द इनहेल्ड एयर जो आपने इनहेल की है उसमें, उसको स्नीजिंग इसलिए होती है उसको एक्सपेल यानी कि बाहर करने के लिए फॉरेन पार्टिकल को, जब जो हमने इनहेल कर लिया है साथ में, सो दैट कि केवल क्लीन एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे। इट यूजली अकर्स, ये इसलिए अकर होता है बिकॉज ऑफ द इरिटेशन अपर ब्रीथिंग पैसेज, जो नेसल कैविटी उसमें जो है वो इरिटेशन शुरू हो जाती है, आपको पता चल जाता है, दिस इरिटेशन हैपन्स व्हेन वी इनहेल सम अनवांटेड पार्टिकल, तभी शुरू होती है आपकी नाक में कुछ, आपको पता चल जाता है कि आपको छींक आने वाले, क्योंकि वो बता रहा है, वो सिग्नल दे रहा है कि हाँ अनवांटेड पार्टिकल आपकी बॉडी में आ रहा है, ठीक है। एंड दे गेट ट्रैप्ड इन अवर नेसल कैविटी में ही ट्रैप हो जाता है, और ये कौन कौन से होते हैं, स्मोक डस्ट हो सकती है, पॉलन एक्सेट्रा, सम ऑफ द अनवांटेड पार्टिकल दैट मे कॉज स्नीजिंग, जिसकी वजह से स्नीजिंग होती है यानी छींक आती है और आप छींकते हो, ठीक है।
उम्मीद है ये आंसर आप अच्छी तरह से लिख पाओगे और इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट बात करें तो आपके पास एक 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें जो है 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, इसमें 3/4 जो है वो पानी से भर रखा है। ये 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं और 3 टेस्ट ट्यूब को क्या किया गया है, 3/4 वाटर से भर दिया गया है। ठीक है, ए बी सी उनके नाम दिए गए हैं, ए बी एंड द सी। ठीक है, कीप अ स्नेल इन अ टेस्ट ट्यूब ए। ए टेस्ट ट्यूब में आपने क्या रखवाया है, स्नेल रखवाया है। ठीक है, जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या रखा हुआ है, स्नेल रखा हुआ है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें वाटर प्लांट रखा हुआ है। ठीक है, उसमें एक प्लांट रखा हुआ है, ठीक है, जो आपका बी है, और जो सी है उसमें क्या रखा हुआ है, स्नेल और प्लांट दोनों रखे हुए। देखिए आपकी स्नेल कुछ इस तरीके की होती है, स्नेल और जो प्लांट है दोनों रखे हुए हैं। मैंने हालांकि यहाँ पर फोटो चिपका भी दी है नेट से लेकर। ठीक है, तो ये स्नेल है, देखिए ए में, बी में वाटर प्लांट है और सी में स्नेल प्लस वाटर प्लांट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस टेस्ट ट्यूब में कंसेंट्रेशन CO2 का ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए दो बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी क्या है। देखिए हमें पता है कि कोई भी जो रेस्पायर करता है वो रिच ऑक्सीजन को लेता है लेकिन छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, तो स्नेल क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ेगी। ठीक है, वो तो इक्वल अमाउंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी स्नेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगी। अभी सिर्फ स्नेल की बात करते हैं। ठीक है, रही कसर तो प्लांट की, तो प्लांट जितना ऑक्सीजन छोड़ता है उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो ले लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ भी कुछ ये छोड़ता है जो मैंने बात की थी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले भी लेता है। ठीक है, तो कंपैरिजन टू स्नेल, प्लांट्स के पास ही कैपेसिटी वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि फूड वगैरह बना दे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के पास टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो कम है। ठीक है, कंपैरिजन टू अभी टेस्ट ट्यूब ए में। नेक्स्ट बात करें तो स्नेल और वाटर, स्नेल अभी भी जितनी इतनी कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, लेकिन प्लांट भी साथ में है, तो प्लांट की क्या कैपेसिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले भी लेगा ये वाली में थोड़ी बहुत, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता भी है साथ में। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में ले सकता है प्लांट के साथ, तो जो अकेलापन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पर शेयरिंग करने के लिए प्लांट आ गया है उसको। ठीक है, तो प्लांट यहाँ पर शेयरिंग कर सकता है, और यहाँ पर तो पूरा का पूरा प्लांट है जो उतने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो रिच कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई पूछे तो यहाँ पर क्या है कि वो रिच है। अगर सेकंड पूछता तो यहाँ पर है, थर्ड पूछता तो ये यहाँ पर रहता। ठीक है, तो ए में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद से लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दिया गया समझाने के लिए कि टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2। इसके पास हाईएस्ट कंसेंट्रेशन रहेगा क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए ने सिर्फ स्नेल को लिया हुआ है। ठीक है, और स्नेल ऐसा है जो ब्रीथ के समय ऑक्सीजन और आउट के समय CO2 निकालेगा, इसलिए CO2 की कंसेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा रहेगी। अब टेस्ट ट्यूब बी की बात करें तो यही बात लिखी कि वहाँ एक वाटर प्लांट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है सिंथेसिस के लिए, फूड को बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को गिव आउट करता है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन CO2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब सी में दोनों है, स्नेल और प्लांट, CO2 तो ये उस इक्वल अमाउंट में स्नेल करेगा, बट यही बात है कि जो CO2 है उसको कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा, इस वजह से सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके पास कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो आप बस आंसर में ये लिख दोगे कि टेस्ट ट्यूब ए के पास हैव द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है कि आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। देखिए कॉकरोचेस के बारे में जब मैंने बात बताई थी तो मैं आपको दोबारा से कॉकरोचेस की तरफ ले चलती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ एक बात बताई थी कि कॉकरोचेस में एंट्री कहाँ से होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो एयर आती है, जैसे हम लोग नॉस्ट्रिल से लेते हैं, इनके पास स्पाइरेकल्स होते हैं जिससे वो एयर को लेते हैं, और उसके बाद पूरे जो प्रोसेस होती है गैसेस का एक्सचेंज ट्रैकिया सिस्टम से होता है। ठीक है, ये इनका पूरा सिस्टम ट्रैकिया होता है, तो ट्रैकिया कॉकरोचेस में होता है, लेकिन जो ओपनिंग बगल में होती हैं एंड्स पे उनको स्पाइरेकल कहते हैं। ठीक है, स्पाइरेकल जो है ये ओपनिंग है जहाँ से लेते हैं, ओपनिंग है जहाँ से सांस लेते हैं, आप डायरेक्ट कह दें नॉस्ट्रिल का काम करती है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि कॉकरोचेस में एयर जो है वो एंटर बॉडी से थ्रू किससे करती है, तो वो स्पाइरेकल है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आंसर थर्ड क्या होगा, स्पाइरेकल होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है फटाफट से आपको आंसर ही ऑप्शन में ढूंढना है क्या है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, अभी मैंने बताया कि मसल्स में जब भी होता है आपको, जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो दर्द इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ लैक्टिक एसिड, वहाँ क्या होता है बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, एनर्जी ज़्यादा के लिए क्या है, नॉर्मल तो वो ऑक्सीजन हो करके एनर्जी बना ही रहता है ऑक्सीजन से, लेकिन उससे भी ज़्यादा एनर्जी
एनर्जी चाहने की वजह से मसल्स खुद एनर्जी को ग्लूकोज को तोड़ देता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एनर्जी तो मिल जाती है पर उस दौरान जो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो गया है वो क्या करता है कि मसल्स में क्रैम्प्स यानी दर्द आपको मसल्स में हो जाती है, ठीक है। बाद में वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड टूटता है ऑक्सीजन का जब सर्कुलेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड के फॉर्म एक्युमुलेशन की वजह से हैवी एक्सरसाइज में हमें लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज एट, ब्रीथिंग रेट की बात की जाए तो ये भी कल ही बताई गई थी। देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इतने आराम से आपको आंसर डायरेक्ट सब पता होंगे, फिर भी मैं आपको बार बार दिखा देती हूँ कि हो सकता है ये आपकी फर्स्ट वीडियो हो, ठीक है। अब बात की जाए तो नॉर्मल जो ब्रीथिंग मैंने बताई थी एक एडल्ट में 15 से 18 टाइम्स एक मिनट में होती है। एक ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, एक सांस ली और एक सांस छोड़ी, ये पूरी एक ब्रीथिंग होती है। ऐसी एक मिनट में कितनी ब्रीथिंग आदमी करता है, तो एक मिनट में 15 से 18 बार ये पूरी साइकिल, एक जो साइकिल एक बार ली एक बार छोड़ी सांस, वो पूरी एक करता है और हैवी एक्सरसाइज में 25 टाइम करता है। तो ऑन एन एवरेज अभी नॉर्मल बात करा है तो 15 से 18 होती है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर 15 से 18 है तो आंसर में हमें ढूंढना है कि 15 से 18 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, 15 टू 18 वाला ऑप्शन। और ये हमारे पास बिल्कुल यहीं पर खड़ा है सेकेंड ऑप्शन, 15 टू 18 आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सेलेशन का मतलब है सांस छोड़ी जब जाती है द रिब्स क्या होते हैं। देखिए जब सांस छोड़ी जाती है, हालांकि यहाँ पे इन्हें लिखना चाहिए था कि एक होती कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब सांस हम इनहेल करते हैं तो इनहेल के दौरान ये क्या करते हैं ये फूल जाते हैं, ठीक है, ये फूल जाते हैं। और ऐसे भी अगर आप देखें तो ये थोड़े से ऊपर जाते हैं, ठीक है, जब इनहेल करते हैं, ठीक है, लेकिन जब एक्सहेल करते हैं तो ये वापस से नीचे आते हैं। अगर आप रिब्स की बात करें तो ये और डायफ्राम भी क्या करता है ऊपर जाता है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस दौरान, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये क्या करता है, मूव डाउनवर्ड करता है, ठीक है, क्या करता है, मूव डाउनवर्ड करता है। तो सेकेंड ऑप्शन होगा कि एक्सेलेशन के दौरान रिब्स क्या करते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में आपको बिल्कुल ऐसा करेंगे नीचे आता है, खुद छूकर देखेंगे आपको फिर रिब्स पता चल जाते हैं। तो आप जब सांस लोगे सांस छोड़ोगे तो ये नीचे आता है, ठीक है, ये नीचे आता है आपको दिखता है, तो ये क्या होगा नीचे आएगा और जो ये है आपका डायफ्राम ये ऊपर जाता है। तो ये आपका आंसर होगा कि एक्सेलेशन के दौरान ये मूव डाउनवर्ड करता है। नेक्स्ट बात करें किसी के आंसर्स हैं, स्पाइरिकल लैक्टिक एसिड 15 to 18 मूव डाउनवर्ड, ये इनके आंसर्स हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें मैच द फॉलोइंग करना है कॉलम वन का कॉलम टू से, तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है जिसमें बोला है कि ईस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर आप बात करें तो ईस्ट जो है उसका अगर आप देखें तो मैंने आपको ईस्ट में बताया था कि ईस्ट क्या करते हैं, ये ऐसे एनएरोब्स हैं जो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। इसका मतलब है कि ये बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या करते हैं, ये कैसे रेस्पायर कर पाते हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, जो इनका खाना होता है फूड होता है ग्लूकोज होता है उसको किस में तोड़ देते हैं, अल्कोहल एंड दी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात की जाए ये तो एरोबिक वाला है, यहाँ पर ये बात बताएगी, ठीक है। तो ये जो होते हैं यीस्ट होते हैं ये सर्वाइव करते हैं दी एब्सेंस ऑफ एयर, इनको एनएरोब्स कहते हैं और ये एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से पाते हैं। तो क्या करते हैं ग्लूकोज को एब्सेंस में अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, तो ये अल्कोहल फॉर्म करते हैं। तो यही है कि यहाँ पे सारा खेल रेस्पिरेशन का है, तो यीस्ट में क्या है अल्कोहल फॉर्म होता है, जब वो रेस्पायर करते हैं तो अल्कोहल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सारा रेस्पायर से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग है, तो आपको क्या करना है यीस्ट क्या करेगा, आपको फटाफट से अल्कोहल जहाँ दिख रहा है, एक मिनट अल्कोहल इधर है, तो आप यीस्ट को अल्कोहल से लगा दोगे। नेक्स्ट बात करें तो डायफ्राम में आप बात करें तो डायफ्राम क्या होती है, तो डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि इसको किससे लगा सकते हैं हम, तो चेस्ट कैविटी, तो हम चेस्ट कैविटी से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले अच्छा स्किन की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्किन की बात करें तो अगर स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है वो किसकी होती है, अर्थवॉर्म की होती है। मैंने आपको ये तभी बताया था कि जो अर्थवॉर्म है वो अपने स्किन से सांस लेते हैं रेस्पायर करते हैं, तो हमने अर्थवॉर्म से स्किन को लगा दिया। लीव्स की बात करें तो लीव्स स्टोमेटा से गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, सांस ले पाती है। अगर बात करें जो पोर्स होते हैं स्मॉल लीव्स में, तो लीव्स इससे करती हैं, ठीक है। और अगर फिश की बात की जाए तो फिश में क्या होता है कि वो गिल से करती है, तो फिश को फटाफट से हमने किससे लगा दिया, गिल से लगा दिया, ये भी बात हमने कर चुके थे। फ्रॉग के पास दोनों कैपेसिटी होती है, जब वो पानी के अंदर होता है तो स्किन से लेता है, अदरवाइज बाहर रहता है तो लंग से सांस लेता है, ठीक है। तो लंग्स होते हैं इसमें और फ्रॉग में, लेकिन अगर पानी के अंदर है तो वो स्किन से लेता है, ठीक है। बच गया आपका डायफ्राम, तो डायफ्राम जो होता है वो चेस्ट कैविटी से आप इससे लगा दोगे कि
जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसी में प्रेजेंट होता है ये पूरा का पूरा डायफ्रेग्रम और आपके रिब्स जो है, ठीक है, लंग्स इसके अंदर होता है, ठीक है। तो हमने इसीलिए डायफ्रेग्रम को चेस्ट कैविटी से लगा दिया। बचा हुआ ट्रैकिया अगर यहाँ कॉकरोच होता तो उसको उससे लगा देते, क्योंकि ट्रैकिया की मदद से वो सांस को लेता है। तो यहाँ पर नहीं है, तो बाकी बचे हुए हैं। तो आपको आंसर के लिए मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा देती हूँ, यीस्ट को अल्कोहल से करना था, डायफ्रेग्रम चेस्ट कैविटी से, स्किन को अर्थवॉर्म से, लीव्स को स्टोमेटा से, फिश को गिल्स से, और फ्रॉग को लंग्स एंड स्किन से, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे सबसे मैच हो। ठीक, नेक्स्ट बात करिए तो ट्रू एंड फॉल्स बताने आपको। फर्स्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज जो ब्रीथिंग रेट है वो पर्सन की स्लो डाउन हो जाती है। स्लो डाउन हो जाती है क्या, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो तो और ज़्यादा लंबी लंबी सांस लेते हो, फटाफट लेते हो, ठीक है। तो ब्रीथिंग रेट, तो ये आंसर आपका फॉल्स है, तो होना चाहिए था कि ये फास्ट हो जाती है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये आपने कर दिया फॉल्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। कह रहा है कि जो प्लांट है आपका वो दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और रात में क्या है, रेस्पायर करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो करता है, पर रेस्पिरेशन जो है वो दिन रात हमेशा करेगा। ऐसा थोड़ी कि आप रात में रेस्पायर करोगे, दिन में नहीं करोगे, ठीक है। रेस्पायर पूरे टाइम करेगा, बट हाँ, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट होती है, इसलिए वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है डे टाइम में। तो ओनली एट नाइट जो रेस्पिरेशन, इसकी वजह से ये आंसर फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पायर होल डे, तो हाँ ये आंसर हो जाता। तो लेकिन ऐसे फॉल्स है क्योंकि ओनली एट द नाइट लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। नेक्स्ट बात करें तो फ्रॉक्स ब्रीथ थ्रू दियर स्किन एज वेल एज दियर लंग्स। अभी बात हुई थी फ्रॉक्स के पास दोनों होते हैं। स्किन से सांस कब लेते हैं, जब पानी के अंदर होते हैं, और अगर बाहर है तो लंग्स से सांस लेते हैं। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, ट्रू की कैटेगरी में आप डाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फिशेस के पास लंग्स होते हैं या फिशेस गिल्स से सांस लेते हैं, इसलिए आंसर फॉल्स में फिर से चला जाता है। नेक्स्ट बात करें द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन में हाँ ज्यादा से ज्यादा सांस जाए, इसलिए आपकी जो चेस्ट का साइज है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में बहुत अच्छी तरीके से नहीं है, तो चैप्टर को जाकर देख लीजिए, ये बिल्कुल सच बात है और ट्रू हम आंसर में लगा देंगे। यहाँ मैंने आंसर डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, फर्स्ट आंसर फॉल्स है, सेकेंड भी फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ इज द ट्रू आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन 8 है। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी आपको क्या दी गई है कि बिलो अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच हिडन डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, और आपको इनमें क्या करना है, वर्ड्स को ढूंढना, उससे पहले वर्ड्स पहचानने भी हैं, तो आपको नॉलेज सबसे पहले देखनी है। इट्स लाइक अ गेम, और आपको बिल्कुल गेम की तरह इसको देखना है। बहुत मज़ा आया मुझे इसको ढूंढने में, तो आपको भी मज़ा ही आएगा ढूंढने में। ये आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, इसमें वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे आपको मतलब आप गेम खेलते हो तो ढूंढते ही हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले है कि आपको देखना है एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो बात की गई है ट्रैकिया, ट्रैकिया होती है ना जो एयर इंसेक्ट्स में ही ट्रैकिया का सिस्टम पाया जाता है, तो एयर ट्यूब्स ऑफ द इंसेक्ट्स का आंसर क्या होगा, ट्रैकिया। तो आपको यहाँ पर ट्रैकिया ढूंढना है कहाँ पर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ है, ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, तो इसका आंसर तो ट्रैकिया हो गया, अभी सब दिखा दूंगी। स्केलेटल स्ट्रक्चर जो सराउंड करता है चेस्ट कैविटी को, ठीक है, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो चेस्ट कैविटी को सराउंड करता है, तो वो रिब्स है, राइट। रिब्स हैं जो पूरे उसको सराउंड करते हैं, चेस्ट कैविटी को पूरा ऐसे ऐसे करके बने हैं आपके रिब्स जो हैं स्केलेटन सिस्टम में, तो रिब्स आंसर होगा इसका। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, मैंने बताया था इसके नीचे जो एक मस्कुलर कैविटी होती है उसे आप क्या कहते हो, डायफ्रेग्रम कहते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायफ्रेग्रम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लूज लीफ, उसे स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। सारे आंसर मैंने लिखे, आप इस पर बिल्कुल मत करिए। फर्स्ट का ट्रैकिया, सेकेंड का रिब्स है, थर्ड का क्या है, डायफ्रेग्रम है, फोर्थ क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। तो स्मॉल ओपनिंग अभी बात की है इंसेक्ट्स में, वो क्या थी, स्पाइरिकल थी, जिनकी मदद से सांस लेते थे, और उसके बाद ट्रैकिया पूरा सिस्टम होता था इंसेक्ट्स में, जो कॉकरोच की बात की थी, इंसेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ क्या होगा उसका आंसर, हमारा स्पाइरिकल्स होगा, ठीक है। ये सब ढूंढने हैं हमको, ठीक है। तो पहले आंसर तो पता होना चाहिए क्या ढूंढना है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन बींग में क्या है, लंग्स हैं जो रेस्पायर करते हैं, तो आंसर इसमें लंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, वो ओपनिंग जो से हम इनहेल करते हैं, जैसे उनमें स्पाइरिकल थी, हमारे में नॉस्ट्रिल्स है जिससे हम करते हैं। नेक्स्ट बात करें एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, हम यीस्ट जानते हैं। और देखिए जो लास्ट है उसका आंसर तो कहीं नहीं मिल रहा है, बट हाँ इसमें एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, इसका आंसर इंसेक्ट भी हो सकता है। हमने कॉकरोच यहाँ अपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो मैंने कॉकरोच लिख दिया, बट ये पूरे इसमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो देखिए लंग्स कुछ यहाँ मिला है, आप खुद पहले ढूंढिएगा, फिर उसके बाद इस आंसर पे आइएगा, पॉज करके पहले तो ढूंढ लीजिएगा फटाफट जाके, ठीक है। तो लंग्स सबसे पहला आंसर हमारा क्या है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया देखिए यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा ट्रैकिया है, यहाँ तक है पूरा ये ट्रैकिया,
मैं यहीं पर था, ठीक है ठीक है। ट्रैकिया यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंड आपकी बात करें तो रिप्स है, रिप्स यहाँ पर देखिए, रिप्स यहाँ है, ठीक है। जो थर्ड है वो है आपका डायफ्रेग्राम, तो ये आपका डायफ्रेग्राम कहाँ गया, गया डायफ्रेग्राम उल्टा है ये, देखिए डायफ्रेग्राम, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो स्पाइरिकल स्टोमेटा आप देखिए, तो स्टोमेटा बिल्कुल यहाँ ऐसे दिख रहा है स्टोमेटा, और जो स्पाइरिकल है वो आपको यहाँ दिखेगा, यीस्ट आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। नॉस्ट्रिल आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है। स्पाइरिकल यहाँ है, मैंने लिखा नहीं है, ये रहा आपका स्पाइरिकल्स, ठीक है, ये रहा स्पाइरिकल्स, ठीक है, स्पाइरिकल्स यहाँ पर है। तो अब जो बच्चा है कॉकरोच, जो मैंने बहुत ढूंढा, आप खुद ढूंढिएगा और बताइएगा इसमें कि अगर कॉकरोच या इंसेक्ट इन दोनों में से कुछ भी मिल जाता है तो इसके अंदर है, अदरवाइज मुझे नहीं मिला। सो अगर आपको मिले तो आप देख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको हेल्प पूरी कर दी है यहाँ पर जो फाइंड आउट करने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो बिल्कुल लास्ट आपका ऑप्शन है कि द माउंटेनियर्स जो है वो साथ में, जब माउंटेनियर्स जो है माउंटेन चढ़ते हैं जाके, तो वो ऑक्सीजन अपने साथ रखते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड यानी जब हाइट होती है तो मोर देन 5 किलोमीटर अगर आप ऊपर चढ़ें, देर इज़ नो एयर, बिल्कुल एयर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि एयर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एटमोसफेयर है, एयर तो है। सेकेंड पूछा, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दी अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राउंड में जितनी एयर मिलती है इतनी सफिशियंट अमाउंट, ऊपर जाते जाते वो एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है, जो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ऊपर जाते जाते कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जितनी सफिशियंट एयर चाहिए, एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इंसान वहाँ सर्वाइव कैसे करेगा। जितनी सफिशियंट ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर क्या है कि जितनी अमाउंट ग्राउंड पे मिल रहा है उतना हाई अल्टीट्यूड पे यानी हाई माउंटेन वाली जगह पे नहीं मिलता है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन है। बाकी कह रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर से कुछ भी लेना देना इसका नहीं है, प्रेशर जो है प्रेशर से भी इसका लेना देना नहीं है। तो सारा जो खेल है वो क्या है कि एयर की जो अवेलेबिलिटी है वो ऊपर जाके कम हो जाती है, और एयर की अवेलेबिलिटी का कम होने का मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का कम होना, इसलिए ऑक्सीजन साथ में रखना पड़ता है रिस्पायर करने के लिए, ठीक है। तो आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड अगर आपको मेरे से तो थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं ऐसी वीडियो आगे डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।